Now let's see one more example respect to clrscr and getch function. Let's see. First of all, whenever this program got executed, first of all, chance will be provided to the clrscr function according to function f7 key. F7 key के जस्ट आप क्लियर स्क्रीन क्लियर हो जाए, फर्स्ट टाइम अगर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर हो सकता है स्क्रीन ऑलरेडी क्लियर हो. नेक्स्ट वन, जैसे सेकेंड स्टेटमेंट को चांस प्रोवाइड होगा आफ्टर दैट अगेन प्रेसिंग F7, सेकेंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग प्रिंटएफ से डिस्प्ले क्या होगा मैसेज HC, स्लैश एन के अकॉर्डिंग कंट्रोल कंसेंट होगा ऑन द नेक्स्ट लाइन कर्सर. नेक्स्ट वन, अगेन चांस विल बी प्रोवाइडेड टू द clrscr फंक्शंस. According to clrscr, it will clear the current message. Then clrscr के जस्ट बाद अगर आप Alt F5 प्रेस करो फ्रॉम योर कीबोर्ड, Alt+F5 की, इसके केस में मिस अगर आप मिस सी प्रिंट तो हुआ था लेकिन जस्ट clrscr की वजह से ऑलरेडी क्लियर हो चुका था ना, अगेन आपको स्क्रीन विजिबल होगा एज ए क्लियर स्क्रीन. नेक्स्ट वन, नेक्स्ट चांस इज प्रोवाइडेड टू द प्रिंट एफ, अगेन मैसेज डिस्प्लेड इज C++. इफ यू वॉन्ट टू वॉच दिस आउटपुट देन अगेन यू कैन प्रेस Alt F5 एनी टाइम प्रेस करना पॉसिबल ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन इन स्टेप बाई यूजिंग F7. अगर इस केस में अगर आप आउटपुट Alt F5 से देखो देन मैसेज कैसे होगा अगेन C++. नेक्स्ट टाइम फिर से चांस किसको मिलेगा clrscr फंक्शन, व्हेनेवर यू आर प्रेसिंग अगेन F7 देन clrscr के अकॉर्डिंग अगेन करंट मैसेज क्लियर हो जाएगा. Then screen will be cleared next time. Again absent press करने के according chance किसको मिला printf statement को, printf के according display होगा message as java. According to \n cursor will be available on the next line. Next again we are writing one more printf, next time message displayed in next line php. Then cursor will be again sent to the next line. Here we are not using \n, therefore cursor will be available on the current line. Next one, again after pressing F7, then chance is provided to the getch function. Yes, getch function will be case mein output show either Java and PHP. This is the all about that programs.